नमस्कार दोस्तों, हम क्वेश्चन कर रहे हैं सीएसआईआर नेट जून 2012 नंबर थ्योरी में पूछे गए उन क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 50,000 इज 20, 30, 40 एंड 50। हमने पहले भी एक लेक्चर अपलोड कर दिया है इसका। हमारे पास अगर कोई एक नंबर हो, अगर एन कोई नंबर हो, एन अगर हमारे पास कोई नंबर हो इस प्रकार का, P1 की पावर अल्फ़ा 1, P2 की पावर अल्फ़ा 2, P3 की पावर अल्फ़ा 3 एंड सो ऑन, तो इसके नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स क्या होंगे? सिर्फ नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे, सिर्फ जो पावर है उनमें एक ऐड करके और मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि अल्फ़ा 1 प्लस 1 इंटू अल्फ़ा 2 प्लस 1 इंटू अल्फ़ा 3 प्लस 1 इंटू एंड सो। तो ये फॉर्मूला इसमें काम करेगा। तो हमारे पास क्या है, 50,000। तो 50,000 के हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे इसको, यानी कि 50,000 इसको हम लिखेंगे 5 × 10^4, और इसको हम लिख देंगे 5 × 2 × 5^4, और इसको हम लिखेंगे 5 × 2^4 × 5^4, और इसको हम लिख देंगे 5 × 5 × 2^5। तो अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स निकालने के लिए क्या करना है, जो भी पावर है उनमें एक ऐड करके और मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि 5 + 1 × 4 + 1, ये क्या आ जाएगा, 6 × 5, यानी कि 30। तो इसका जो आंसर होगा ये सेकंड आंसर होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लेट एन इज इक्वल टू a1 a2 a3, यानी कि a1 a2 a3 हमने निकालने हैं, और जो ai हैं ये हमारे 1 2 3 से हैं, और ऐसे हैं कि a1 + a2 + a3 ये हमारे पास से 6 आ जाए। देन इस सेट में पूछा है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट m, यानी कि m में कितने एलिमेंट हैं ये हमने निकालने। तो हमारे पास क्या है, 3 पोजीशन है, और जोड़ हमारे पास कितना आना चाहिए, 6 आना। तो हम क्या करें, इसमें 6 की पार्टीशन ही कर लें। तो 6 की पार्टीशन, और वैसे भी हम एक पार्टीशन का भी एक रूल सीख लेंगे इसमें, 6 का हम पार्टीशन करें तो 6, और फिर हम क्या करना है, डिक्रीज करते हुए जाना, यानी कि 5 + 1, और फिर हमने क्या करना है, 4 + 2, और 2 को फिर हम तोड़ लेंगे, 4 + 1 + 1, और फिर हमने क्या करना है, 6 = 3 + 3, और फिर हम क्या कर लेंगे, इस 3 को तोड़ना है। मीन्स पहले हमने क्या किया, 4 + 2 किया, फिर 2 को 1 + 1 लिखा, फिर यहाँ हम हमारे पास 3 है, 3 को हम तोड़ सकते हैं 2 + 1, और फिर हम क्या करें, इस 2 को तोड़ लेंगे, 3 + 1 + 1 और + 1, और फिर हमने क्या करना है, 2। तो 2 अब डिक्रीजिंग, और इससे नेक्स्ट या तो बराबर हो या छोटा हो, ऐसे हमने काम करना होता है। तो 2 के बाद क्या आएगा, 1 तो आए, 1 हमारे पास 2 या जाएगा 2 और +2, फिर इस लास्ट वाले 2 को हम तोड़ लेंगे, तो 6 = 2 + 2 + 1 + 1, फिर क्या हो जाएगा, 2 इस 2 को तोड़ लेंगे, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 2 3 4, और यहाँ तक आए, तो और फिर इसको तोड़ लेंगे, तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, और हमारे पास कितनी पोजीशन है, 1 2 3। तो सिर्फ 3 पोजीशन वाले हम छांट लेंगे इसमें, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ पोजीशन क्या हमारे पास आई, 3 2 और 1, 3 2 1, एक तो ये हो जाएगा, एक हमारे पास हो जाएगा 4 1 1,
एक ये हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा टू टू। अब निकाल देंगे क्या पूछे, यानी कि इन नंबर में से तीन पोजीशन पे क्या क्या आ सकता है। तो तीन नंबर हैं तो पहली पोजीशन पे तीन में से कोई एक आ सकता है, दूसरी पोजीशन में से एक तो आ चुका है तो दो में से कोई एक आएगा, और तीसरी पोजीशन पे हमारे पास क्या हो जाएगा एक ही बचा है वो अपने पोजीशन ले लेगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा थ्री इंटू टू इंटू वन, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा सिक्स। अब हम यहाँ से देखें, ये हमारे पास क्या हो जाएगा थ्री में से कोई भी तीन नंबर है, इन तीन नंबर में से कोई भी एक एक के स्थान पे एक स्थान पे आएगा इनटू जो दो कोई दो बचे वो अपने एक स्थान पे आएंगे और सेकंड पोजीशन पे, और एक ही बचा है वो अपने पोजीशन ले लेगा। तो ये और डिवाइड बाय क्योंकि ये जो है ये रिपीट करते हैं तो इसको टू फैक्टोरियल हमने डिवाइड करना होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा थ्री इंटू टू इंटू वन डिवाइड बाई टू, टू से टू कैंसिल यानी कि थ्री। तो ये सिक्स प्लस थ्री यहाँ तक तो आ चुके हैं। फिर इस पोजीशन की बात करें हम, तीन नंबर है तीन पोजीशन है, तो पहली पोजीशन पे थ्री सी वन इंटू सेकेंड पोजीशन थ्री टू सी वन एंड थर्ड पोजीशन पे वन सी वन, और ये नंबर सारे ही सेम है तो थ्री फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा थ्री इंटू टू इंटू वन डिवाइड बाई थ्री इंटू टू इंटू वन यानी कि वन। तो एट हमारे पास दिया है। तो इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो हो जाएंगे टेन। तो इसका जो आंसर होगा ये थर्ड आंसर हो जाएगा। देखें लास्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को हमारे पास जो नंबर है 38^2011 और इसका हमने यूनिट डिजिट निकालना है। तो इसका यूनिट डिजिट निकालने का मतलब क्या है, इसी को हम क्या कर लेंगे रिड्यूस कर लेंगे 10 से, यानी कि हमने क्या काम करना है इसमें 38^2011 इज कॉन्ग्रुएंट टू आर जो हमने निकालना है मोड 10। तो हम क्या कर 10 से इसको रिड्यूस कर लेते हैं, इसको जब रिड्यूस करेंगे तो हो जाएगा 8^2011 इज कॉन्ग्रुएंट टू आर मोड 10। अब हमने क्या करना है 2011 है उसको हम तोड़ लेंगे, क्योंकि हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, क्योंकि हमें ये पता है 8 की जो मल्टीप्लिकेशन है वो 64 है, और 8^4 की मल्टीप्लिकेशन ये हमारे पास 8^2 है। जब 8^4 की मल्टीप्लिकेशन यहाँ जैसे ही हम 8 से मल्टीप्लिकेशन 64, और जब हम इसको 10 से रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, और फिर हम इसके 4 करें तो 4 करें तो ये हो जाएगा 16, और जब 10 से रिड्यूस करेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो और फिर हम इसकी कितनी पावर करते चले जाएं 6 का 6 ही रहेगा। तो हम इस बात को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर लेते हैं 2011 को 4 की पावर में तोड़ लेते हैं, यानी कि 2011 है इसको हम लिख सकते हैं 2008 और प्लस 3। 2008 तक तो क्या देगा ये 6, और बाकी हमने कैलकुलेट करना है। तो इसको हम क्या लिख देंगे 8 38^2011 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8^2008 इंटू 8^3 मोड 10। तो ये तो हमें 6 देगा, क्योंकि ये तो 4 का मल्टीपल है, तो जो भी 4 का मल्टीपल है
वो तो हमारे पास 6 देता है, तो ये तो हो जाएगा 6, यानी कि 38^2011 इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये हमारे पास 6 हो जाएगा। और ये 8^3, 8^3 क्या हो जाएगा, 8^2 क्या है, 8^2 तो 4 है, तो 8^3 क्या हो जाएगा, 8^3 मीन्स 8 की इससे मल्टीप्लीकेशन यानी कि 32, और 32 को हम 10 से रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 10 के रेस्पेक्ट में ये 2 देगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 और मोड 10। अब ये हमारे पास कितना होगा, 12 मोड 10, और 12 मोड 10 फिर इसको रिड्यूस कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 मोड 10। तो अब हमारे पास क्या आया, जो लास्ट डिजिट आया है वो 2 आया, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट। थैंक यू फ्रेंड्स।